गाइस कैसे हो दोस्तों, क्या आपको भी व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज आते हैं? क्या आपको भी व्हाट्सएप के मैसेज डिस्टर्ब करते हैं? क्या आप मोबाइल में काम करते हो, या फिर आप बात करते हो, या फिर आपके दूसरे काम में किसी में बिजी हो तो आपके मोबाइल के मैसेज हैं जो बार बार आपको व्हाट्सएप के मैसेज हैं, ग्रुप के मैसेज हैं, वो सब आपके मोबाइल में रिंगटोन की तरफ बजते हैं या बार बार डिस्टर्ब करते हैं, आपके मोबाइल में आते हैं, या फिर इतने सारे मैसेज जो है इकट्ठे हो जाते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी सेटिंग्स करनी है अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशंस के अंदर। से आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। इसके बाद में देखिए, यहाँ दोस्तों यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पर थ्री डॉट्स हैं, उन पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स में जाएं। सबसे नीचे सेटिंग्स दिया गया है, उसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए सूचनाएं वाले ऑप्शंस पर क्लिक करें। इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑन ऑफ का यह ऑप्शंस दिया हुआ है, इस ऑप्शंस पर जाकर ऑफ कर दें। यहाँ पर देखिए संदेश आने जाने की आवाज़, तो यहाँ पर बंद कर दें, ये अपन जो है आवाज़ नहीं चाहिए, यही तो अपने को डिस्टर्ब करती है सबसे ज़्यादा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे जो आपको जैसे सेटिंग्स चाहिए, वाइब्रेशन बंद करना है तो वाइब्रेशन को भी आप बंद कर दीजिए। सूचनाएँ मिलने पर जो आवाज़ आती है, मतलब जो नोटिफिकेशन आता है, जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को भी आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। इसके बाद पॉपअप सूचनाएं भी बंद कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में कोई भी सूचना आती है, तो कोई भी संदेश आता है तो मोबाइल में ऊपर से एकदम बताता है कि आपका संदेश आया है, तो आप उसको उंगली से साइड में स्केप करना पड़ता है, तब जाके वो स्क्रीन से हटता है, तो उस पॉपअप सूचना को भी आप यहां से बंद कर दीजिए। इसके बाद में यहां नीचे आते हैं तो ग्रुप के भी जो भी मैसेज आते हैं, ग्रुप के सारे ग्रुप के जो भी मैसेज संदेश आते हैं, उनको भी उसी तरह आपके सेम जैसे ऊपर में आपने सेटिंग्स किया, सेम उसी तरह यहाँ पर भी सेटिंग्स कर लीजिए। सूचनाएं मिलने पर आवाज़ को भी साइलेंट कर दिया है मैंने, यहाँ पर बंद कर दिया, कोई आवाज़ नहीं। इसके बाद मैं वाइब्रेशन को भी बंद कर दिया हूँ, और इसके बाद में पॉपअप सूचनाएं ग्रुप की पॉपअप सूचना को भी मैंने बंद कर दिया हूँ। इसके बाद आपको स्क्रीन पर कोई भी सूचना नहीं दिखाई देगी। इसके बाद में यहाँ पर भी सेटिंग्स दी गई हैं, ये सूचना मैंने चालू रखी है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसके बाद रिंगटोन जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कोई भी अगर आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करता है तो वो आपको ये देखिए वो आपको मैंने वो ऑन रखा है, तो आपको भी ऑन रखना है। कोई भी कोई काम का होता है तो ही वीडियो कॉलिंग करता है, बाकी नहीं करता है। कोई भी कॉलिंग करता है वीडियो कॉलिंग, अगर किसी में फ़ोन में बैलेंस नहीं है तो कोई वीडियो कॉलिंग कर देता है, तो ये कॉल मैंने ऑन रखा है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखा है वाइब्रेशन ऑन रख के यहाँ पर आपको। तो इस तरह से आप छोटी सी सेटिंग्स हैं जिसे आप ये करने के बाद आपके मोबाइल में कोई भी कोई भी मैसेज का डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही काम से आपके काम के नॉलेजेबल वीडियो हम ऐसे ही प्रोवाइड करते रहते हैं इसी चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।